हाय, ये मैं हूँ। और मैं कहाँ हूँ, इससे पहले बात करेंगे मैं यहाँ किसके साथ आया हूँ। तो चलो पहले उनसे मिल लेते हैं। ये है हमारे मित्र नंबर एक, थोड़े से नरम थोड़े से गरम। स्माइल करो करुणेश। ये जो ब्लैक स्पाइडरमैन की तरह दिख रहा है वो है हमारा मित्र नंबर दो, जयू। और ये है हमारे तीसरे मित्र टेरेंस। भाई साहब को केकड़े बहुत पसंद है और वो उन्हें ढूंढने में पूरी तरह व्यस्त है। तो चलो तो स्टोरी को थोड़ा रिवाइंड करते हैं और वहाँ चलते हैं जहाँ से अपनी ट्रिप की शुरुआत हुई, यानी कि मेरे घर। चलो अपनी गाड़ी रेडी हो गई। चलो भाई, करुणेश भैया उधर खड़े हैं तो भागते हैं फटाफट बीएससी। गुड मॉर्निंग भाई लोग, क्या हाल चाल? बढ़िया। बहुत दिनों बाद ब्लॉग करने का एक बुरा नतीजा है कि देखो जो शुरुआत करता था ब्लॉग की वो ही भूल गया। गुड मॉर्निंग भाई लोग, कैम छो? मजा मा अपन भाई? एकदम मजा मा। करीबन लास्ट टाइम लगभग मुझे एक महीना हो गया होगा मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया, तो दिवाली के बाद ये फर्स्ट विंटर राइड हम लोग की होने वाली है, जो कि हर बार होती है सूरत टू दमन रिलैक्स राइड। इस बार थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया भाई, बट क्या करें यार, थोड़ी मजबूरी अभी तो है। अभी फ़िलहाल मैंने ग्लव्स नहीं पहने और मैंने अपना जैकेट भी बंद नहीं किया, क्योंकि अभी बीएससी पे खड़े हैं अपने करुणेश भाई। अभी वहाँ पे जाते हैं उसके बाद रेडी होते हैं। ये देखो चुतिया कैसा रॉन्ग साइड आ रहा है। वैसे अभी टाइम लगभग हुआ है 5:30। वैसे दमन इतना ज़्यादा दूर नहीं है तो ज़्यादा जल्दी भी उठ के कोई मतलब नहीं था, क्योंकि फिर अंधेरे अंधेरे में दमन पहुँच के भी कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। 1.5 से 2 घंटे में तो हम लोग आराम से वहाँ पहुँच जाएंगे अगर आराम से राइड करें तो, और भगा भगा के जाएंगे तो भाई 1 घंटे में भी पहुँच जाएंगे आराम से। ये देखो वो देख रहे हो कमी ने, इन्होंने दोनों ने रात को ना बोला था शायद मुझे खाली खाली डराने के लिए, और बाद में भी देखो दोनों के दोनों रेडी हो गए भाई। इन दोनों ने मेरा पोपट बना दिया। देखो तगड़ा वाला सरप्राइज मिला है। हम बोल रहे थे भाई को कि कल हम छोड़ने आ रहे हैं यहाँ पे। भाई 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 भाई, भाई। 1 hour later कल रात को भाई इन लोगों ने सबने ना ना बोला तो मेरा थोड़ा मूड ऑफ हो गया था, तो मैंने कुछ ज़्यादा तैयारी भी नहीं की और डायरेक्ट जाके सो गया था। और सुबह मन में यही चल रहा था कि अभी क्या करना है कैसे करना है, क्योंकि 3-4 दिन से वैसे भी हम लोग का थोड़ा पोस्टपोन हो रहा था। और बाद में अब सुबह जब करुणेश का फ़ोन आया तो पता चला कि भाई ये लोग तो मेरा पोपट बना रहे थे, मतलब ये लोग आने वाले थे, मतलब वो मेरा प्रैंक बना रहे थे कि भाई मेरा रिएक्शन क्या होता है। और अभी सुबह अलार्म तो मैंने 5 बजे का लगाया था, पर करुणेश 4 बजे उठ गया था और उसने 4:30 बजे मुझे उठाया, तब जाके मुझे लगा कि हाँ चल भाई अब ये आ रहा है। वो टेरेंस का ही रह गया ना। हाँ उतर। चलो तो भाई हम लोग यहाँ चाय पानी हमने कर लिया है। एक्चुअली ये भाई टेरेंस जो है पीछे बहुत पीछे रह गया था, ठंडी के मारे उसकी फट रही थी। ओए काम करना भाई, यहाँ से आग जला के रख ले, ऊपर कोयले डाल दे अंदर थोड़े। बाय बाय। ओए छोटू ठंडी नहीं लग रही तेरे को? चलो अभी यहाँ से अपनी राइड कंटिन्यू करते हैं। और आज जो है सैटरडे है तो इसके लिए काफ़ी पब्लिक दिख रही है और बाइकर्स तो बहुत सारे दिख रहे हैं। तो भाई लोग अभी बहुत दिनों बाद अच्छी खासी मस्त हाईवे पर राइड करने को मौका मिल रहा है, तो अभी कितना ज़बरदस्त मज़ा आ रहा है। देखो करुणेश तो भाई रॉकेट की तरह निकल गया, और मेरे को भी उसको पीछा करना पड़ेगा। ये जो सूरत मुंबई वाला हाईवे अभी वो छोड़ के हमने वहाँ से हाईवे से नीचे से यू टर्न मारा है, और अब थोड़ा सा वापस जाके लेफ्ट साइड अंदर मार लेंगे, तो वो जो सीधा रास्ता है वो अपने को एक दमन का शॉर्टकट है। देखो या है अभी रेलवे क्रॉसिंग ब्रिज, ये देखो। आई थिंक दमन जाने के लिए आपको वापी वाला जो स्टेशन है वो लगता होगा, आई थिंक सो, मुझे इतना आइडिया नहीं है।
क्योंकि यहाँ से वापी दमन और वापी के बीच में लगभग 10-15 किलोमीटर का ही डिफरेंस है। टेरेंस भाई साहब जो है बहुत ज़्यादा स्पीडली निकल गए एकदम आगे, तो उसने ये वाला जो टर्न था वो मिस कर दिया और एकदम आगे निकल गया है। और हमने उसको अभी मैंने कॉल किया हम लोगों ने, पर वो भाई कॉल रिसीव नहीं कर रहा है। कोई दिक्कत नहीं, वो आगे फिर हमको ज्वाइन कर लेगा, क्योंकि दमन के ऐसे अंदर जाने वाले बहुत सारे रास्ते हैं। देखो भाई अभी सुबह सुबह से मॉर्निंग से ही देखो कितनी गाड़ियाँ दिख रही है। और पारसी अस्तब क्या लिखा था भाई, मेरे को पढ़ने को भी नहीं हुआ। चलो यहाँ से भी 8 किलोमीटर और है दमन, और हम काफ़ी अच्छे टाइम पे दमन आ गए। वैसे एकदम सही टाइम, ये दमन आने का एकदम सही टाइम है, क्योंकि अभी हम लोग को पूरा दिन मिल जाएगा यहाँ पे आराम से। थोड़ी देर इधर पार्क करते हैं। हम लोग पहुंच गए दमन, और देखो हमारी बाइक है उधर सामने पार्क करके रखी है। देखो भाई अभी हम लोग पहुंच गए दमन, और ये है देवका बीच। अभी थोड़ी देर हम लोग यहाँ चिल मारेंगे, क्योंकि अभी का मौसम क्या है बहुत अच्छा है। फिलहाल राइडिंग जैकेट रखने के लिए कोई जगह नहीं है, तो पहन के रखे। और ये देखो भाई पीछे, फिलहाल बालों की हालत बहुत ख़राब है, इसीलिए मैंने ये बलकलावा जो है माथे पे लगा के रखा है। समुद्र किनारे खेलते हैं इन बच्चों को देख हम खुद को रोक नहीं पाए। और फिर नदियां डैम बनाऊंगा, तीन तीन नदियां बनाई मैंने। तुमने डैम को नदी नाले में कन्वर्ट कर दिया यार। हाँ तू खाली यार महाराष्ट्र का सोच रहा है, मैं राजस्थान गुजरात सबका सोच रहा हूँ। कैनल का नामकरण किया कि नहीं तूने? नहीं नहीं अभी वो सेरेमनी रखने वाले, उसके लिए मुहूर्त निकालना है। चलो भाई यहाँ पे बहुत अच्छा खासा हम लोगों ने मजा किया है। कब से टाइम पास कर रहे हैं हम लोग मस्त अंदर दरिया के अंदर, सब वो क्या बोलते हैं उसको, सिप वगैरह वो ढूंढ रहे हैं, कोई केकड़ा पकड़ रहा है। अभी भूख लगी है, कुछ खाने जाते हैं। हम लोग प्लान कर रहे हैं कि यहाँ नाइट रुक जाए, क्योंकि मैंने आज तक दमन की कभी नाइट वाइब नहीं देखी। लोग बोलते हैं भाई दमन बहुत अच्छा है, और नाइट में तो और भी अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पे जो बनाया है ना भाई, वो बहुत बढ़िया बनाया हुआ है। अभी देखते हैं भाई क्या होता है। रुकने का मन किया तो रुक जाएंगे, नहीं तो फिर लेट नाइट तक हम लोग फिर सूरत के लिए निकल जाएंगे वापस, क्योंकि वो राजकुंद्रा की तरह घूम रहा है। पिक्चर आने वाली है ना भाई। चलो भाई अभी ढूंढते हैं अच्छा कुछ नाश्ता पानी। दमन को अभी यार सही में काफ़ी सारा चेंज कर दिया है। एक अभी ऐसा लगता है टूरिस्ट अट्रैक्शन बन गया है, बाकी पहले तो लोग सिर्फ ड्रिंक के लिए दमन को इसीलिए जानते थे, भाई पीने मिलता है बस, दारू पियो चिल मारो घर जाओ। पर अब ऐसा नहीं, अब वो फैमिली के लिए भी बन गया है दमन, कि मतलब यहाँ पे अभी क्या इन्होंने सब बीच पे सब बंद कर दिया है दारू वगैरह पीना। अगर आपको ड्रिंक वगैरह करना है तो आप रेस्टोरेंट जाके कर सकते हो, सड़क पर नहीं कर सकते। ये काफ़ी सही चीज़ है। Ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this एक बहुत बड़ा कोई चर्च है, और ये कितना पुराना है भाई, क्या मस्त लग रहा है ना। इस वॉल पे जो कलर वगैरह करके रखे हैं ना भाई, क्या मस्त लगता है ना। देखो यहाँ पे है ना इसकी पूरी स्टोरी यहाँ मेंशन की हुई है, आप चाहो तो यहाँ पे आओगे ना तो यहाँ पे स्टोरी पढ़ सकते हो। भाई यहाँ फोटो बहुत मस्त आते हैं, यहाँ बहुत मस्त फोटो आएंगे। इतनी खूबसूरत जगह पे आके हम फोटो ना खींचे, ऐसा हो सकता है क्या? एक और चीज़ हो सकती है, आप लोग यहाँ से फटाफट वीडियो को पॉज करके हमारे इंस्टाग्राम पे जाके हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वो भी आराम से हो जाएगा।
ये देखो भाई, एक नंबर है। क्या मस्त लग रहा है ना मुक्ति धाम, क्या शानदार है भाई। जम्फोर बीच के पास आओगे ना तो आपको देखो, आपको यहाँ देखने मिलेगा ये आपकी बहुत बड़ी मूर्ति है। देखो क्या मस्त लग रही है ना। और ये देखो मेरे पीछे आपको दिख रहा है बीच, ये बीच के पास, ये जम्फोर बीच है। और देखो क्या प्यारी लग रही है ना। लास्ट ईयर हम आए तब ये नहीं थी यहाँ पे, ये इन्होंने अभी ये डेवलप किया एरिया। वन आवर लेटर। चलो तो भाई लोग अगर आपको फोटोग्राफी पसंद है, आपको सोशल मीडिया पर एक्टिव होना अच्छा लगता है ना, तो भाई दमन में इस जगह पे ज़रूर आना। यहाँ पे आपको पूरी गोवा वाली भाई भाएगी। और यहाँ पे देखो फोटोग्राफी के लिए देखो क्या मस्त, ये जितनी भी बिल्डिंग्स वगैरह इनको कलर डिफरेंट डिफरेंट कलर करके रखा है ना, तो वो इतनी बढ़िया लग रही है ना। और यहाँ पे एक फोर्ट है, ये मोटी दमन फोर्ट बोलते हैं इसको। और इसके अंदर जो जितने भी बिल्डिंग्स वगैरह है वो ज़्यादातर तो, आई थिंक तो सब गवर्नमेंट के जो ऑफिस है ना वो बने हुए हैं। और ये गेट है देखो, यहाँ पे एक टाइम में एक कार निकल सकती है या दो तीन बाइक निकल सकती है। और यहाँ पे देखो भाई एक टैंक रखा हुआ है। चलो तो भाई आज का यहाँ का जो प्रोग्राम था सब समाप्त हो चुका है भाई। और अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं फिर सूरत के लिए। 29 हम लोग सूरत पहुंच चुके हैं और ये है हमारा एंड वाला मीटिंग पॉइंट, मधुरम सर्कल। चल मिलते हैं। अरे कैमरे के आगे तो बात करूंगी नहीं भाई, हम घर जा रहे हैं, राइड यहां पे खत्म झाला। हां ये हमारा एंडिंग मीटिंग पॉइंट है। और भाई लोग अगर जिस किसी भाई ने भी अगर मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी जल्दी यार 1K तो करवा दो यार, क्योंकि अगर 1K हो जाएगा ना तो मुझे जो लंबी वाली राइड करनी है ना तो वो करने में मुझे ज़्यादा मज़ा आएगा। क्योंकि वो बोलते हैं ना मोटिवेट, अपने आप से मैं मोटिवेट हो जाऊंगा कि नहीं चलो अभी 1K हो गए तो थोड़ा नंबर का गेम भी तो होता है ना, आपको तो पता ही है नंबर का गेम होता है। अच्छा लगेगा अगर मेरे जल्दी से 1K हो जाए तो। प्लीज़ आप लोग फटाफट फटाफट भाई अपने भाई के 1K करवा दो। और बस इतना ही, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर सकते हो तो शेयर भी कर लेना। चलो फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी अच्छे से बढ़िया वाले व्लॉग में, तब के लिए टाटा बाय बाय, जय श्री कृष्ण भाई।